नाउ वी डिस्कस अनदर एग्जांपल ऑफ जेक्यूई फॉर एडिशन प्रोग्राम. कौन से प्रोग्राम्स के लिए? एडिशंस के प्रोग्राम्स के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल जेक्यूई का देखते हैं. सबसे पहले हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, एप्लीकेशंस को जो अपना प्रोजेक्ट रनिंग मोड में है. यहाँ पर ही हमें अपने एक नया मैथड, जरूरी नहीं कि आप अलग अलग कंट्रोलर ही बनाओ, हम यहाँ पर एक नया मैथड बना लेते हैं एक्शन रिजल्ट, उसी कंट्रोलर्स में एडिशन. Here return view. Okay. Now we create addition dot cshtml. ये हमने एक नया view बनाया. अब jQuery की सबसे पहले आपको plugin यहाँ पर लगाना पड़ेगा. तो jQuery की plugin, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि jQuery का plugin हमने डाउनलोड किया है, ठीक है. ये कहाँ पर, कौन से फोल्डर में है? स्क्रिप्ट फोल्डर में. इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो. jQuery plugin is represented. तो बाय डिफॉल्ट न्यूगेट पैकेज मैनेजर से अपन इसको ऐड कर लेंगे. यदि न्यूगेट पैकेज मैनेजर आपके पास नहीं है तो ये स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में पेस्ट भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हो? ओनली पेस्ट, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर अपन एक यूआई क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू, चाहो तो आप रेजर भी यूज कर सकते हो, टीएक्सटी नंबर. प्लेस होल्डर दे दिया मैंने यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर. फिर यहाँ पर मैंने दे दिया बी आर लगाया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, हियर आई डी इक्वल्स टू टी एक्स टी एम टू, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है. नाउ आई विल टेक अनदर बटन, हियर इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, आई डी इक्वल्स टू बी टी एन क्लिक, वैल्यू इक्वल्स टू एडिशन. यहाँ पर वैल्यूज में क्या जाएगा? एडिशन आ जाएगा. नाउ वी क्लिक ऑन, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पर हमें jQuery का कोड यूज करना है. jQuery के कोड के लिए अपन यहाँ पे स्क्रिप्ट ब्लॉक क्रिएट करते हैं. स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर यहां पर लिखेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है. ये आपको लिखना ही है, पेरेंट्स है ये. इसके बाद इसको भले आप यहां पे एंटर कर लो. इसके बाद यहां पे फंक्शन लिखो, ठीक है. इसके बाद इसको भी एंटर करके फंक्शंस के अंदर फिर आपको यहां पे लिखना है. अब इसको किसके क्लिक में आना चाहिए? बटन के क्लिक में आना चाहिए. तो यहां पे डॉलर, यहां पे आ जाएगा बटन डॉट क्लिक एंड दिस, और इसके अंदर फिर अपने क्या लिखना है? फंक्शन लिखना. और इस फंक्शन के अंदर अपने को फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, जो भी फंक्शनैलिटी अपने को देना है, ठीक है. अब टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेने के लिए क्या होता है? इसमें डॉलर सबसे पहले हैश टी एक्स टी नम वन डॉट वैल, इससे क्या हो जाएगा? वैल एक प्रीडिफाइंड मेथड है. जैसे अपन वहां पर जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी ये यूज करते थे, इसके अंदर सिंपल आपको डॉलर हैश टी एक्स टी नम वन, मतलब जो पहले टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे आप वो इसके अंदर आ जाएगा. आप चाहो तो इसको पार्सेंट करके भी इसको मैनेज कर लो, इट विल बी टाइप कास्टेड ऑन इंटीजर. इसके बाद सेकेंड आ जाएगा बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा पार्सेंट एंड डॉलर, यहाँ पे जाएगा हैश टी एक्स टी नम टू डॉट वैल. ये वैल्यूज हमने इसके अंदर मैनिपुलेट किया. After that c equals to a plus, and now I will click on alert c. अब मैं इसको यहां से रन कर लेता हूं. विजुअल स्टूडियो में भी फीचर्स है कि आप पर्टिकुलर फाइल को भी सेलेक्ट करके डायरेक्टली रन करोगे तो वही फाइल रन हो जाती है. जरूरी नहीं है कि आप रूट कॉन्फिग डॉट सी एस में, टेस्टिंग पर्पज से, ठीक है. तो आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके डायरेक्टली भी रन कर सकते. मुझे यहाँ पे 12, यहाँ पे भी दे दिया 12 रिजल्ट. अगेन गो ऑन इंस्पेक्ट एलिमेंट्स. यहाँ पर क्या लिख गया? यहाँ पे
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया रीड, ठीक है, तो आप कंसोल डॉट से आपको सबसे बेटर तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी एरर आ जाएगा तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल कंसोल में जाइए, अपने आप पूरा एक एक चीज़ों को क्लियर करके बता देगा। एडिशन ठीक है, इसको इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर लेंगे अपन, 12 एंड 12, दिस इज एडिशन, रिजल्ट इज 20, ठीक है। तो मिस्टेक वास मतलब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर थी कि आपको इनपुट टाइप इक्वल टू बटन जब भी आप लिखते हैं तो वहाँ पर फिर आपको बटन के एक्सेस स्पेसिफायर, हम यहाँ पर क्या कॉल कर रहे थे, बटन से कॉल कर रहे थे, हमें बटन यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, अपन को क्या यूज़ करना है, हैश बटन यूज़ करना है, क्योंकि आई डी सेलेक्टर किससे कॉल होता है आपका, हैश से कॉल होता है, ओके। तो दिस इज द प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट jQuery।